नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज रीडिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर और इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आइए सबसे पहले मैं बताऊं कि कैलेंडर का वर्क क्या होता है। दोस्तों, ये जो कैलेंडर का वर्क होता है, यह होता है टाइम रिप्रेजेंट करना। ओके, कैलेंडर का वर्क होता है टाइम रिप्रेजेंट करना, और ये जो टाइम बताता है वो डे में बताता है और डेट में बताता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये डेट जो बना होता है वो डे से, मंथ से, ईयर से और सेंचुरी से। हिंदी में बता देता हूँ, कैलेंडर का जो कार्य होता है वो होता है समय बताना, और समय बताया जाता है दिनों में, दिन में। ओके, और तारीख में, और तारीख मिलकर बना होता है दिन से, माह, वर्ष और शताब्दी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें इन्हीं चारों के बारे में स्टडी करना है। मित्रों, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसको मुझे सीखना है। सबसे पहले मैं दिन से शुरुआत करूंगा और कहां तक जाएंगे, शताब्दी तक। तो आइए चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये जो दिन होता है वो एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, और यह समय जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो वह समय कितना कहलाता है, 24 घंटा। वास्तव में 24 घंटा नहीं होता, 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड होता है, उसको अप्रॉक्स मान लेते हैं कितने, 24 घंटा। और बेटा, यहाँ पर जो दिन होता है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। याद रखिएगा, यहाँ मंडे को हम एक नाम से जानते हैं, एक नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 या 0। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये कोडिंग मैंने बस ओरली किया हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिनों का कोड जो है, आपका दिनों का कोड जो है बिल्कुल आप याद रखा करें। मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 7 या 0। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। डे से जो बड़ी यूनिट होती है वो कहलाती है सप्ताह। ध्यान दीजिए, डे से जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, सप्ताह कहलाती है, क्योंकि 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। ओके, और 4 सप्ताह बराबर 1 माह, और ऐसे माह टोटल कितने होते हैं, 12। चूंकि हम लोग ग्रिगेरियन कैलेंडर पढ़ते हैं और उनके अनुसार हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और सब में अलग अलग दिन होते हैं। 31 का होता है, 28 या 29 का होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और ये 31। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। अब बात आती है मित्रों कि ये जो 12 महीने हैं, यदि मैं इसको एक डब्बे में पैक कर दूं, 12 महीने हैं, इसको मैं यदि एक डब्बे में पैक कर दूं, तो ये 12 माह बराबर क्या हो जाता है, एक वर्ष हो जाता है। अब यहीं से कैलेंडर की असली शुरुआत होती है। अब वर्ष क्या होता है, तो आइए चर्चा करते हैं एक वर्ष क्या होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमें एक वर्ष के बारे में सीखना है। एक वर्ष क्या कहलाता है, एक वर्ष वह समय है जब हमारी पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरे तरीके से कंप्लीट करती है, तो ये टोटल समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड। चूंकि हम जानते हैं कैलेंडर में हम केवल दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो केवल कितना लिया मैंने, और इन सबको जो है अप्रॉक्सीमेट मान लिया गया, कितने घंटे के, 6 घंटे के। और मित्रों, आपको मैं बता दूं कि वास्तव में एक वर्ष वह समय है
जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा करती है। और मित्रों यहीं से वर्ष के तीन नाम हो गए। अगर मैं वर्ष को दिन में बताऊं, ध्यान दीजिएगा, वर्ष को दिन में बताया जा सकता है, सप्ताह में बताया जा सकता है और माह में बताया जा सकता है। दिन में बात करूं तो दिन में होते हैं 365 दिन, सप्ताह की बात करूं तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, और माह में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। ओके, अब ध्यान देना है आपको, आगे की बातें आगे डिस्कस की जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे वर्ष के प्रकार, वर्ष के प्रकार। वर्ष दो प्रकार के होते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है साधारण वर्ष, पहला होता है साधारण वर्ष, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन। ओके, साधारण वर्ष का डिफिनेशन क्या है, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन या फरवरी 28 का होता है उसे साधारण वर्ष के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ध्यान से, अगला हेडिंग है साधारण वर्ष का पता लगाना। कैसे चेक करेंगे ऐसा वर्ष, वो कौन सा वर्ष है जो 365 का होगा या फरवरी 28 का होगा? तो ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष, वर्ष का पता लगाना है तो वर्ष में हम चार का भाग देंगे। कब? जब वर्ष बना होगा ईयर प्लस सेंचुरी से। जब कोई भी वर्ष ईयर या सेंचुरी में होगा, ध्यान दीजिएगा, ईयर प्लस सेंचुरी में होगा तो हम उसमें चार का भाग देंगे। उदाहरण 2013, तो 2013 बना है किससे, 2000 से प्लस 13 से बना है। तो मित्रों इसी को मैं बोल रहा हूं कि ये 13 है और 2000 क्या है, शताब्दी है। तो ऐसा वर्ष जो सेंचुरी और ईयर से मिलकर बना होगा उसमें हम चार से भाग देंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहां शेष जीरो नहीं आना चाहिए। जब शेष जीरो नहीं आएगा तो ये क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, एक होता है सेंचुरी में है, वर्ष किसका हो, 100 का मल्टीपल हो या शताब्दी में हो, तो उसमें हम वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, हम कितने से भाग देंगे, 400 का। कब? जब वर्ष किसका मल्टीपल हो, 100 का। और यहां पर दोस्तों रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तो ऐसे वर्ष को हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं, कैसे प्रश्न पूछता है आपसे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है क्या 1941वां वर्ष साधारण है, साधारण वर्ष है? क्या 1941वां वर्ष साधारण वर्ष है? तो कैसे चेक करेंगे, 1941 में हम चार का भाग देंगे और यहां शेष जीरो नहीं है, शेष जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे हाँ 1941वां वर्ष साधारण वर्ष। इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछता है। मित्रों अब वर्ष का जो दूसरा प्रकार था वह है लीप वर्ष, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है लीप वर्ष या अधिवर्ष। कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिनों की संख्या होगी, इसमें दिन होंगे कितने, 366। ओके, या फरवरी होगा कितने का, 29 का, या अब ध्यान दीजिएगा वर्ष में हम चार का भाग देंगे और यहाँ शेष जो है अगर जीरो आ जाए
जैसे 2016 में हम 4 का भाग देंगे, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो ये 2016 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि यदि कोई वर्ष 2000 है और ये क्या है, ये वर्ष है सेंचुरी, तो ध्यान दीजिएगा कितने का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। 400 का भाग दिया और यहाँ शेष क्या बच गया, शेष बच गया 0। तो ध्यान दीजिए, जब कोई शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देने के बाद यदि शेष 0 बचता है तो ध्यान दीजिएगा वह लीप वर्ष कहलाता है। यदि इसी का एक छोटा सा रूप लेते हैं, मान लीजिए 1300 वर्ष ले लिए, 1300 में यदि हम 400 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ शेष 0 नहीं बचेगा, शेष 0 नहीं बचेगा, यह दूसरे रूपों में यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह 1300 वर्ष साधारण वर्ष है और ये 2000वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। तो अभी तक मैंने आपको बताया वर्ष के प्रकार। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही कॉमन है, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, लीप तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। ओके, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना, इसमें दो हेडिंग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब वर्ष 100 से कम हो, जब वर्षों की वैल्यू 100 से कम होगा तो हम वर्ष में कितने का भाग देंगे, 4 का। ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष निकालने के लिए जब वर्ष की वैल्यू 100 से कम होगा तो लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसी को बोलेंगे क्या, लीप वर्ष। उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक ऐसा वर्ष लिया, जैसे मान लीजिए 82 वर्ष ले लिया, 82 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ओके, ध्यान दीजिए, हमें पता है कि 82 जो है वो 100 से क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 82 में कितने का भाग देंगे, 4 का। भागफल कितनी बार जाएगा, भागफल इंटीजर में लेंगे हमेशा, कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये कैसे याद रखना है, जब वर्षों की वैल्यू 100 से कम होगा तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए वर्ष बटे क्या करेंगे, 4 करेंगे। आइए इस पर मैं कुछ अभ्यास भी करवा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 10 वर्ष में लीप वर्ष निकालना है, 10 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, आंसर 2 हो गया। 22 वर्ष में 4 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, आंसर हो गया। लीप वर्ष निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 32 वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पूर्णतः 8 बार चला जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार मैं यदि आपसे कहूँ 96 वर्ष में 96 में हम 4 का भाग देंगे, 24 बार जाएगा, आंसर हो जाएगा। मित्रों 99 वर्ष में भी हम 99 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 24, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा कुछ वर्षों में लीप वर्ष निकालने के विधि। अब दूसरा जो है आपको सिखाने जा रहा हूँ, लीप वर्ष की संख्या निकालना शताब्दी में। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना किसमें, इसका सब हेडिंग है शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष। मित्रों आपको याद रखना होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने बताया था कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, इसी को मैंने अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया था, 6 घंटा। मित्रों यहां पर मैंने 12 मिनट जो है एक्स्ट्रा लिया था। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये 12 मिनट जो एक्स्ट्रा लिया था वो 96 वर्ष तक वैलिड होगा।
लेकिन आगे जो है 97, 98, 99 और 100 तक यहाँ पर ये जो 5 घंटे 48 मिनट है इसको एडजस्ट किया जाएगा 12 मिनट को, इसीलिए यहाँ पर 6 घंटे नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर 6 घंटे नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर 6 घंटे नहीं लिया जाएगा और यहाँ पर 6 घंटे नहीं लिया जाएगा। और इसीलिए 97, 98, 99 और 100 का पेयर, ये जो 100वां साल है वो लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार से आपको याद रखना है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने बोला आपसे कि जब कोई भी संख्या या कोई भी वर्ष शताब्दी में दिया हो तो उसको हम 4 से भाग नहीं देंगे, हम याद रखेंगे कि 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होंगे वो टोटल कितना होते हैं, 24 होंगे। रीजन मैंने अभी बताया आपको। ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैं बता देता हूं, 200 वर्ष में लीप वर्ष होगा 48, 300 वर्ष में लीप वर्ष होंगे 72। ऐसा क्यों हुआ मित्रों? क्योंकि मुझे पता है 97 से लेके 100 तक लीप ईयर नहीं होता, फिर 197 से लेके 200 तक लीप ईयर नहीं होता, फिर 297 से लेकर के 300 तक लीप ईयर नहीं होता, लेकिन ध्यान दीजिएगा 397 से लेकर के 400 तक ये लीप ईयर होगा। और इसीलिए यहाँ 400वें साल को लीप वर्ष मानेंगे और यहीं से हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 400 वर्ष में जो लीप वर्ष होगा वो 24 चौके 96 प्लस 1 बढ़ जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 97। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है, आपको इससे जो है घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है क्या कि बताइए 100 वर्ष में कितने ऐसे फरवरी होंगे जो 29 दिन के होंगे, तो वो कितने होंगे, 24 के। 200 वर्ष में कितने ऐसे फरवरी होंगे जो 29 के होंगे, तो वो फरवरी 29 वाले 48 होंगे। ठीक इसी प्रकार 300 में 72 और 400 में 97। अरे ये बात समझ में मित्रों? अब मैं आपको लीप वर्ष की संख्या निकालने बताने जा रहा हूं। सी प्रकार है, लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या जब वर्ष प्लस शताब्दी दिया हो, शताब्दी हो, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष की संख्या जब वर्ष और शताब्दी दिया हो, उदाहरण के तौर पर मैं 120 वर्ष ले लिया, 120 वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा, ओके? अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, 120 को हम किस में तोड़ेंगे, 100 वर्ष प्लस 20 वर्ष में तोड़ेंगे। अरे बात समझ में? 100 वर्ष में हमें लीप वर्ष पता है कितने, 24, और 20 में हम 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, तो टोटल 24 5 कितने हो गए, तो 120 वर्ष में जो लीप वर्ष होंगे कितने होंगे, 29 होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर। अरे ये बात समझ में मित्रों? आपसे पूछा जा सकता है दूसरा उदाहरण, 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 700 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 700 को हम तोड़ेंगे 400 प्लस 300, 400 में हमें पता है 97 होता है, 300 में 72 होता है, 7 2 9 9 7 16 169 आंसर आ जाता है। दोस्तों आज ही तक मैंने आपको सिर्फ वर्षों के प्रकार बताया, क्या क्या बताया, कैलेंडर का वर्क होता है सम टाइम बताना, दिन में बताता है, तारीख में बताता है, फिर दिन से मिलके सप्ताह बनता है, सप्ताह से मिलके माह बनता है, माह से मिलके वर्ष बनता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। कैसे साधारण वर्ष को पता लगाते हैं, कैसे लीप वर्ष को पता लगाते हैं, लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालते हैं, इन सारे
टॉपिक को मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अगले वीडियो में मिलते हैं कैलेंडर का लेक्चर नंबर 2 में, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।